दोस्तों पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह यूपी टेट प्राइमरी का आंसर की है। आज जो परीक्षा हुई थी यूपी टेट प्राइमरी की, बहुत सारे लोग जो उलझुल कुछ भी आंसर की दे रहे हैं, लेकिन यह जो आंसर की आप लोग को मिल रही है यह 100% सटीक एवं प्रमाणित आंसर की मिल रही है। यह यूपी टेट प्राइमरी का आंसर की है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। आइए सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। जो प्रश्न सही है उस पर टिक पहले से लगा हुआ है। आइए देखते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यह चौथा ऑप्शन सही है। देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो B.S. ब्लूम ने नहीं किया। प्रश्न नंबर 4, देखिए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। प्रश्न नंबर 7, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो अंतःप्रज्ञा अवस्था। प्रश्न नंबर 8, देखिएगा, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे कौन कौन से हैं? इसका सही क्रम क्या है? देखिए, इसका जो सही क्रम है यह दूसरा क्रम ही सही इसका है, दूसरा विकल्प ही सही होगा। प्रश्न नंबर 9, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुमूल्यन है जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 10, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? तो गिलफोर्ड ने यह कहा था। प्रश्न नंबर 12, देखिएगा, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। देखिए, तो इसमें जो सूची ए को सूची बी से मिलाएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकल्प 3 इसमें सही है, विकल्प 3 देख लीजिए, ऐसे ही सही होगा। प्रश्न नंबर 13, देखिएगा, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना, यही प्रथम चरण है। प्रश्न नंबर 14, देखिएगा, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक एवं मनोचालन पक्षों का विकास होगा, यही सही है, मतलब विकल्प 2 सही है इसमें। प्रश्न नंबर 15, देखिएगा, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो सामान्यीकरण। प्रश्न नंबर 16, देखिएगा, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। देखिए, प्रश्न नंबर 17, देखिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.S. Gaine हैं। प्रश्न नंबर 18, देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष में तनाव तूफान विरोध की अवस्था कही जाती है, यह किसने कहा था? यह स्टेनले हॉल ने कहा था। प्रश्न नंबर 19, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 45 मिनट लगता है, यही सही है। प्रश्न नंबर 20, देखिएगा, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया ये मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉस का कथन है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है, आप अच्छे से देख सकते हैं, इसमें जो विकल्प 1 है वही सही है। प्रश्न नंबर 22, देखिएगा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23, देखिएगा, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। प्रश्न नंबर 24, देखिएगा, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकडूगल थे। प्रश्न नंबर 25, विकास की किस अवस्था को कोल व ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? तो विकास की किस अवस्था को कोल व ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था? या बाल्यावस्था को कहा था। देखिए दोस्तों, यह जो भी आप लोग को आंसर की मिल रही है 100% सटीक एवं प्रमाणित आंसर की है, और इसे आप लोग अच्छे से देख लें, मिला लें। इससे इतर कोई आपको आंसर की मिल रहा है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन यह आंसर की जो है पूरी तरह से 100% सटीक एवं प्रमाणित आंसर की है। प्रश्न नंबर 26, देखिएगा, किसने बहुबीमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो गार्डनर ने दिया है। जो भी ऑप्शन सही है पहले से टिक लगा हुआ है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, तो पढ़ने व बर्तनी में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में। प्रश्न नंबर 28, देखिएगा, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए, यही भूमिका नहीं होती है। प्रश्न नंबर 29, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 30, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से संबंधित है बच्चे की वृद्धि।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और यह पूरा का पूरा आंसर की बाल विकास प्राइमरी टेट बाल विकास का आंसर किया है, इस तरह से सारे के सारे आंसर की आप लोग को मिल जाएंगे। और चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी आंसर की मिल रही है 100% सटीक एवं प्रमाणित आंसर की है। बहुत अवलोकन करने के बाद, इसका विश्लेषण करने के बाद आप लोग को आंसर की मिली है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।